तो गाइस आज हम जा रहे हैं नलकेश्वर और योगी आ गया है तैयार होके सबसे पहले, और ये पिंटू अभी पूजा ही करने जा रहा है। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं नलकेश्वर मंदिर घूमने के लिए, और पीछे अंकित और रानू पिंटू हम सभी जा रहे हैं आज, और आज है संडे। तो गाइस अभी से हो गई है बारिश स्टार्ट और अभी हम पहुंच गए। हेलो गाइस, तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और हम पहुंच गए जिवाजी यूनिवर्सिटी, और अभी मिलेगा हमको साइंस कॉलेज पर, और अभी एक और आने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं और बारिश अभी से स्टार्ट हो गई है, नलकेश्वर मंदिर हमको पहुंचना है, और टाइम हो गया 9 बज गए हैं। हेलो गाइस, वही है सिमरन सिंह जो हमारे को अभी मिले थे, और अब हम इनसे टच में रहेंगे, हमारी काम की मदद करने वाले हैं। गाइस गोलू भी आ गया हमारे साथ, ज्वाइन हो गया, और रवि होने वाला है थोड़ी देर से। गाइस रवि भी आ गया, पर रवि हमसे बहुत पहले आ गया था और हम लेट हो गए। अब डला लेते हैं गाड़ियों में पेट्रोल, फिर हम चलते हैं नलकेश्वर। गाइस हम सभी गाड़ियों में डला रहे हैं पेट्रोल, और गाइस आप जा रही है योगी की गाड़ी में पेट्रोल, जिस पर हम दोनों जा रहे हैं, अरे रानू और अंकित। ऐसी जगह पर आए नलकेश्वर महादेव मंदिर, और देखिए बहुत ज़्यादा जंगल भी है इधर, कोई नहीं है दूर दूर तक, पर जगह बहुत शानदार है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और हम सभी लोग रुक गए हैं, रवि आगे कट गया है, पर पहले फ़ोटो खींचेंगे हम, बहुत दिनों के बाद हम कहीं घूमने आए, पर अब हर संडे प्लान बना रहे हैं कि हम हर संडे नई नई जगह पर जाया करेंगे, और ये ग्वालियर से
58 किलोमीटर है, नलकेश्वर महादेव मंदिर सिप्रीलिंक रोड पर है। तो गाइस अभी 18 किलोमीटर रह गया है नलकेश्वर महादेव मंदिर, और बाकी के लोग कर गए हैं तो वो आगे जाके रुक गए हैं, तो वो वापस आ रहे हैं यहीं पर। तो गाइस देखिए कितना शानदार नज़ारा है, और इधर कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, अभी तो हम बहुत दूर हैं, करीब 18 किलोमीटर। और यह योगी आ गया, और अभी गाइस तो गाइस अभी हम आ गए, एक नदी मिल गई है बीच में, तो नदी के अंदर आए हैं। देखिए पानी कम है, बारिश हुई थी तो, पर अभी थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, और सभी लोग खींच रहे हैं फ़ोटो और मैं बना रहा हूँ ब्लॉग। देखिए अभी काफ़ी दिन हो गए और मैं जा रहा हूँ, थोड़ा पानी में जाते हैं फिर अच्छा लगेगा यहाँ पर पानी बहुत ऊपर से आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा पानी भी है, एकदम साफ पानी, और छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। देखिए पानी है मेरे पीछे, और मैं बीच नदी में आ गया। अब अगर आज बारिश होती है तो और काफ़ी मज़ा आ जाएगा, उससे पहले बारिश होती है सुबह। गाइस अगर आपको भी आना चाहिए ककनमठ घूमने के लिए, बहुत शानदार जगह है, पर अभी हम मंदिर नहीं पहुँचे, पर रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ, जहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। और अभी तो हमने प्लान भी बनाया कि हम हर संडे जाया करेंगे कहीं ना कहीं न्यू जगह पर, तो ब्लॉग देखते रहिए और वीडियो को फैला दें, वायरल कर दें, जिससे आपको न्यू हर संडे को न्यू वीडियो मिलने वाली है। और अब हम एडवेंचर पर आए हैं, आज से हर रोज़ हर संडे एडवेंचर रहेगा हमारा। और अभी योगी खींच रहा है फ़ोटो शूट, देखिए रवि कर रहा है, बहुत अच्छे फ़ोटो खींचता है और बहुत अच्छी वीडियो भी बनाता है रवि। देखिए सभी मस्ती कर रहे हैं और सभी फ़ोटो भी खींच रहे हैं, और ये रवि और रानू वगैरह भी सब अपने अपने फ़ोटो खींच रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ गए, पर रवि ने मेरी फ़ोटो निकाली थी एक, देखिए क्योंकि हम जगह है इतनी शानदार जगह है, बहुत अच्छी, और इसका कोई फ़ोटो ये नहीं खींच रहा, कितना परेशान हो रहा है। देखिए हाँ बैठो बैठो फ़ोटो खिंचाओ। तो गाइस हमारे नलकेश्वर महादेव मंदिर, और देखिए क्या शानदार पानी है, और आपको भी एक बार यहाँ पर घूमने आना चाहिए। सभी अपना अपना फ़ोटो खींच रहे हैं, रवि क्लिक कर रहा है, देखिए सौरभ का फ़ोटो मस्त, और यहाँ पर योगी भी एक वीडियो बना रहा है, और मैं तो खैर बना ही रहा हूँ ब्लॉग। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का, फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत पहाड़ियाँ भी है, देखिए पीछे बहुत ही शानदार जगह है नलकेश्वर महादेव मंदिर, आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। और इन दोनों ने ये वीडियो बना ली है, ये वीडियो बना रहे थे अभी दोनों की दोनों। पीछे देखिए बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा न्यू जगह का। और ये ग्वालियर से 58 किलोमीटर है, सिप्रीलिंक रोड से आते हैं इसके लिए नलकेश्वर महादेव मंदिर। अभी हम पहुँच रहे हैं बीच रास्ते पर, जहाँ एक नदी मिली है वहाँ पर हम रुके हैं। ये निकल के आ गए अंदर से, अब तो जहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, आयोगी और इतने मजे कर रहे हैं गाइस आज हम बहुत ज्यादा। देखिए अंदर चले गए, उधर से पानी आ रहा है, पर ये इधर अंदर आ गए, पाइपों के अंदर घुस घुस के फोटो खिंचा रहे हैं। देखिए गाइस ऐसे कैसे अच्छी आ जाएगी, कुछ पाइप अच्छे हैं कुछ गंदे हैं।